हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका ब्लड रिलेशन का टॉपिक चल रहा था उसमें आज हम लोगों का पार्ट टू है ना। रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक है वो ब्लड रिलेशन है और पार्ट टू है। इसके पहले पार्ट वन आ चुका है जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स और प्लस फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चंस को किया था। आप लोगों द्वारा काफ़ी वो पसंद भी किया गया, बहुत अच्छा लगा। जैसा मैंने कहा था, दिल से धन्यवाद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो चलिए इतनी बात आप मानते हैं तो अब मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। डिले वगैरह थोड़ा हो सकता है बट मैं कोशिश करूँगा कि 11 AM तक आपको वीडियो डाल दिया जाए। ठीक है, आगे से अगला जो रहेगा पार्ट वन, पार्ट टू में हम लोग आज करेंगे पिक्चर बेस्ड। ये मान के चलो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला जो टाइप होता है इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आज तक आप लोगों ने बहुत तरीके से इसको पढ़ा होगा बट ये डिफरेंट रहेगा और एकदम आसान, कुछ नया नहीं। जो पहला पार्ट देखा है उसको ये बड़े आसानी समझ में आएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग कोड बेस्ड करेंगे, फिर मिसलेनियस करेंगे। चलिए आ जाइए, बिना टाइम बर्बाद किए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि आपको जो मैंने पार्ट वन में पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना, कुछ नहीं अलग नहीं करना, आगे पीछे कहीं से क्वेश्चन नहीं पढ़ना, नॉर्मल समझते हुए क्वेश्चन पढ़ना, बस इतनी सी बात है। इंग्लिश हिंदी के लिए मत परेशान होइएगा, मैं रिकमेंड करूंगा इस क्वेश्चन को आप हिंदी में अगर पा पा रहे हैं तो कराइएगा। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन हिंदी के भी कराऊंगा, इंग्लिश भी करा दे रहा हूँ, जैसे आप कंफर्टेबल हो करिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग कोमल, तो कोमल का परिचय देते हुए मनीष सेड, है ना। तो एक तरफ बना लेते हैं कोमल है और एक तरफ कौन है, मनीष है। दो लोग मुझे दिखे, दोनों मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अच्छा इंट्रोड्यूसिंग कोमल मनीष सेड, तो मनीष कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। मनीष कहता है, क्या कहता है, चारों ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए थे। हर फादर मतलब किसके फादर, तो बात आती है किसके फादर भाई। मनीष जो है वो कोमल का इंट्रोडक्शन दे रहा है और मनीष बोलता है, क्या बोलता है, हर फादर मतलब किसके फादर, कोमल के फादर, है ना, हर फादर। तो यहाँ पे हम कोमल के फादर मतलब ऊपर बनेगा और पॉजिटिव होगा और कौन है, ये फादर है। ठीक है, आई थिंक आप इस बात को अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, हर फादर इज ओनली सन, मतलब उसके जो पिता हैं वो इकलौते लड़के हैं, ओनली सन का मतलब लड़के हैं, ऑफ माई फादर मतलब किसके, मनीष के पिता के। जो कोमल के पिता हैं वो इकलौते लड़के हैं मनीष के पिता के, तो इसका मतलब मनीष कहाँ रहा होगा, मनीष यहाँ, मनीष के पिता, तो मनीष कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा। तब तो मनीष के पिता जो हो जाएंगे फादर, ये कौन हो गए, मनीष के फादर हो गए। ठीक है, अब ध्यान से समझो मैंने क्या कहा था कि हर फादर मतलब कोमल के जो पिता हैं, कोमल के जो पिता हैं वो मनीष के, कोमल के जो पिता हैं वो मनीष के, मनीष के पिता के इकलौते लड़के हैं। बताओ बात एकदम फिट हो गई कि नहीं फिट हो गई, किसी भी तरीके से मिसमैच हो रहा है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पूछ रहा था हाउ, क्या पूछा था, हाउ वाज महेश रिलेटेड टू कोमल, सॉरी महेश है कि मनीष है, जो भी है मनीष है, हाउ इज मनीष, है ना, मनीष कर लीजिए, हाउ मनीष रिलेटेड टू कोमल, तो मनीष का कोमल से क्या संबंध है, तो मनीष इसका मतलब कोमल का क्या हो गया, फादर हो गया, काम खत्म, ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिसे नहीं समझ में आया बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्या कह रहा था मैंने, इसी वजह देखो मैं चीज़ों को ट्रांसलेट हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन कोशिश किया करो हिंदी में किया करो। अभी इसके बाद मैं हिंदी भी कराऊंगा बट इनकेस एक आध एग्जाम होता है जैसे NTPC का हुआ था, अगर आप गलती से इंग्लिश उसमें चूज कर लिए तो आपको इंग्लिश में ही पेपर देना है, इस वजह से इस पर भी प्रैक्टिस कर लो, उस पर भी जो मिल जाए उससे कर दो। ठीक है, अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है मनीष सेड, मनीष क्या कहता है, हर फादर मतलब किसके, इसका मतलब कोमल क्या रही होगी, फीमेल, क्योंकि हर फादर है ना, तो कोमल के जो पिता हैं वो मनीष के पिता के इकलौते लड़के हैं, एक ही लड़के हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मनीष के जो, अब अगर जो पूछा जाए तो मनीष के पिता का इससे क्या रिलेशन है कोमल से, तो मनीष के पिता की ये क्या होगी, पोती हो जाएगी। ठीक है, कौन, कोमल, तो इसका मतलब मनीष उनका लड़का हुआ, किसका, मनीष के अपने पिता का लड़का हुआ और कोमल का क्या हुआ, फादर हुआ। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे, एकदम पेशेंस के साथ करिएगा, अच्छे खासे क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 7-8 क्वेश्चन अगर आप मेरे द्वारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, गारंटी है, यकीन मानिए मेरा। ठीक है, तो चलिए फिर अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मैं ठीक ठाक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, बस अभी मेरे साथ आप करते जाइए 100%। कुछ लोग कहेंगे आगे से पढ़ो, कुछ लोग कहेंगे पीछे से पढ़ो, कुछ नहीं, हम कह रहे हैं खाली मतलब समझो क्वेश्चन का, नथिंग एल्स, और आराम से निकल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट करता हूं,
आप लोग एक बार चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट करूँ, और इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए चलिए भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हो, ये क्वेश्चन मैं हिंदी में लिखा हूँ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये जो होता है पिक्चर बेस्ड वाला, इसको आप हिंदी में करने की कोशिश करिएगा, करिए, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा हिंदी में समझ पाता है, क्योंकि हम लोग के जो रिश्ते होते हैं वो हिंदी वाले होते हैं। हम लोग रिश्ते में, मतलब रिश्ते जो हिंदी में ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, इस वजह से इसको हिंदी में किया करिए। बट कुछ लोग होंगे जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती होगी, मतलब कम समझ में आता होगा, तो इंग्लिश के लिए मैं पहले बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी अगर जो आपको दिक्कत हो रही है तो अगला आप बताइएगा कमेंट करके कि नहीं सर पूरा हिंदी में वीडियो बना दीजिए, तो मैं एक पार्ट और मिसलेनियस में ला दूंगा, या फिर मिसलेनियस के बाद एक पार्ट और बना दूंगा, उसमें खाली हिंदी में क्वेश्चन करा दूंगा। और अगर जो आप खाली इंग्लिश में चाहते हैं तो भी बता दीजिएगा, तो मैं एक पार्ट बनाऊंगा, उसमें हिंदी के छह क्वेश्चन करा दूंगा और इंग्लिश के, जो उसमें आप कंफर्टेबल हो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बस कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, तो देखिए आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे, ये चार ऑप्शन दिया हुआ था आपके सामने। आसान है, बस थोड़ा सा रिलेट कर पाना अच्छे से ज़रूरी है। भाई अंकल नन ऑफ दीज होगा, या फिर जीजा या साला का रिश्ता होगा। तो देखिए कौन है, दो लोग हैं, एक हरी हैं और एक कौन है, विजय हैं, ठीक है। तो हरी की फोटोग्राफ है ना, तो मतलब फ़ोटो जो है वो हरी की रखी हुई है, तो यहाँ पे हरी बना देता हूँ मैं, और ये फोटो में है हरी और ये विजय हैं, ठीक है, दो लोग हैं, तो ऐसे बना, ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे ही करना होता है, ठीक है। ओके, अब क्या कहता है, कौन कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विजय कहता है, फोटोग्राफ मतलब इनकी हरी की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय कहता है, क्या कहता है, उसकी बहन, मतलब किसकी बहन, हरी की बहन, क्योंकि फोटो की मैंने जैसे बोर्ड की तरफ, तो मान लो इस बोर्ड में हरी की पिक्चर है, तो मैं कहूँगा उसकी बहन, इसकी तरफ इशारा किया, तो बोर्ड की बहन, तो मतलब कौन, हरी की बहन। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है, हरी की उसकी बहन का पिता, बहन का पिता, तो ये बहन है और बहन का कौन हो गया, ये पिता हो गया, मतलब वो हरी का भी पिता होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक। ओके, अब ध्यान दीजिए, पिता हो गया, मेरी पत्नी, अब कौन, किसकी बात हो गया, विजय की, विजय की पत्नी, तो विजय है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन डबल एरो से होता है, पत्नी, पत्नी की माँ, पत्नी की माँ, मतलब विजय की कौन हो गई, ये सासू माँ हो गई, ठीक है, हाँ ठीक है। अब माँ का पति है, है ना, इसका जो पिता था हरी का, वो इसकी विजय की पत्नी की माँ का जो है वो पति है, मतलब इनके बीच भी कैसा रिलेशन, डबल एरो के साथ, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ओके, अब किसका, किससे, हरी का विजय से संबंध पूछ रहा है, तो बिना कुछ सोचे समझे अगर मैं होता तो अंकल किसी की कीमत पे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो, बिना देखो बिना रिलेशन निकाले ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जनरेशन गैप नहीं हुआ। अंकल जैसे मेरे अंकल, तो मेरे पापा ये मैं रहूँगा, मेरे पापा रहेंगे और पापा के भाई ये अंकल, तो अंकल का तो कोई मतलब ही नहीं है, भाई भाई हो सकता है बट मुझे नहीं लगता होगा, बट एक बार चेक करना पड़ेगा। अब देखो नन ऑफ दीज और ये, तो इनमें से एक क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, कॉल आ रहा था, हाँ, तो क्या हो गया जाएगा, ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे इसके लिए हम विजय और हरी, इसी से मोटिवेट, मतलब इसी से अपना क्या करेंगे, रिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान देखिए, जैसे विजय से स्टार्ट किए, तो विजय है, विजय को अपने आप को मान लीजिए, तो ये मान लीजिए मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, मेरे वाइफ की माँ, मतलब मेरी कौन हो गई, ये सासू माँ हो गई, ठीक है। सासू माँ के जो हस्बैंड हैं उनका, उनकी बेटी का भाई, जो सासू माँ के हस्बैंड मेरे ससुर, और ससुर की बेटी, ससुर की बेटी, ससुर की बेटी का जो भाई होगा वो आपसे क्या रिश्ता होगा, बड़ी आसान से आप समझ सकते हैं, आपके जो ससुर होंगे उनकी जो बेटी होगी वो आपकी साली लगेगी, और ये साली का भाई जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, साला हो जाएगा, मतलब साला का रिश्ता हो जाएगा। अब आपके दिमाग में रहो सर जीजा ऑब्लिक साला कैसे हो गया, अब ध्यान से समझो, मैं हरी से स्टार्ट किया, अब मान लीजिए सॉरी मैं जब विजय से स्टार्ट किया तो साला का रिश्ता हुआ, अब अगर जो हरी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, अभी प्रेजेंट में कौन, हरी जो है वो साला बना, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर जो हरी से स्टार्ट किया जाए, हरी है कोई, मान लीजिए ये मैं हूँ या आप हैं, ये आपकी बहन है, ठीक है, और आपकी बहन के पिता, मतलब आपके पिता, आपके पिता की वाइफ, ठीक है, आप ये आप हैं, आपके पिता हैं, पिता की वाइफ मतलब आपकी माँ हो गई, और माँ की जो बेटी है, ठीक है, माँ की जो बेटी है, माँ की जो बेटी है उसका जो हस्बैंड है, माँ की जो बेटी है उसका हस्बैंड, तो अब कौन हो गया, अच्छा ये तो फिर उस हिसाब से ये तो ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये मैं यहाँ तक मैंने क्या कहा, आपके पिता हैं, पिता की ये माँ है, और माँ के जो बेटी है उसका हस्बैंड, तो यहाँ पे जो जीजा बन रहा है वो कौन बन रहा है, विजय, और यहाँ पे हरी जो बन रहा है वो साला बन रहा है, ठीक है। अच्छा,
अब अगर जो इधर से स्टार्ट मैंने किया था तो क्या बना था, ये मान लीजिए आप हैं, आपकी वाइफ है, वाइफ की आपकी कौन है, माँ है, और मतलब सासू माँ, ये हो गई विजय की, और विजय की सासू माँ का हस्बैंड मतलब आपके ससुर हो गए, और आपके ससुर की जो बहन, आपके ससुर की जो बेटी है, ठीक है, आपके ससुर की जो बेटी है उसके जो भाई होंगे, तो क्या होगा, तो जीजा साला का रिश्ता हो जाएगा। हाँ कन्फर्म है कि विजय कौन हो जाएगा, जीजा हो जाएगा, और हरि कौन हो जाएगा, साला। ऑप्शन में यही दिया हुआ था जीजा ऑब्लिक साला, तो यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि विजय का, हाँ, विजय का हरि से क्या संबंध है, तो इन दोनों का आपस में जीजा और साला का रिश्ता दिया हुआ। बाकी मैं एक बार इस क्वेश्चन को चेक करूंगा कि एक ही ऑप्शन क्यों नहीं दिया, ठीक है। इस पर थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा, मैं पहले से अगर कुछ क्वेश्चन को लगाया होता तो शायद क्लियर हो जाता, बट ऐसे दिया हुआ था तो मैं ऐसे ही आपके सामने लिख दिया। बहरहाल जो रिश्ता होगा वो जीजा साला का ही रिश्ता होगा, ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट आई थिंक होगा, नहीं होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट कर देता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, और एक बार खुद से भी सोचिएगा, हो सकता है मैं ही अभी ना सोच पा रहा हूँ, दिमाग में एट अ टाइम नहीं आ रहा हो, तो आप लोग एक बार भी कमेंट करके बताइएगा कि ये आपस में इंटर, मतलब ये कन्फर्म है कि विजय ही जीजा बनेगा और हरि साला बनेगा, या फिर इन दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये आपका होमवर्क भी है, एक बार आप चुप करके बताइएगा। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, अभी टाइम लेना सही है नहीं, एक फ्लो में वीडियो चल रही है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लूँगा तो आप बोर होने लगेंगे, थोड़ा सा आप टाइम लेके खुद भी सोचिएगा, ये कन्फर्म है विजय जो जीजा बनेगा और हरि साला, या फिर ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब हरि भी वो बन सकता है क्या, जीजा, ठीक है, तो बताइएगा एक बार कमेंट करके। चलिए बहरहाल तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 3 राइट करता हूँ, ठीक, सॉरी, हाँ, 3 राइट करता हूँ, फिर आप ट्राई करिए। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड हर हस्बैंड्स मदर, ठीक है, हर हस्बैंड्स मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ठीक है, फादर्स ओनली सन का मतलब होता है कि पापा का इकलौता लड़का, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फादर है उसका इकलौता लड़का है, मान लीजिए, ऐसा तो अपने आप पे लेना नहीं सही है, ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं एक ही लड़का जिसके हो, किसी ऐसा पिता जिसका खाली एक ही लड़का, ठीक है, फादर्स ओनली सन, सो हु इज द मैन टू लेडी, मतलब उस आदमी का उस लेडी से क्या संबंध है, काम वही, क्या करना, एक लेडी है एक मैन है, एक तरफ बना दीजिए लेडी और एक तरफ क्या बना दीजिए, मैन बना दीजिए, ओके, अब ध्यान से समझिए, कह कौन रहा है ये देख लीजिए, मैन सेड, आदमी कहता है, क्या कहता, हर हस्बैंड मतलब इस लेडी का जो है वो कौन, हस्बैंड, ठीक है, तो हर हस्बैंड मतलब लेडी का क्या हो गया, ये हस्बैंड, हर हस्बैंड्स मदर, लेडी के हस्बैंड का की जो माँ है ना, मदर, ठीक है, जो मदर है, ठीक, मदर इज द वाइफ ऑफ, ये जो मदर है वो वाइफ है किसकी, इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स, इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन, बहुत ध्यान से समझना, माई मतलब मैन, मैन के फादर, मैन के फादर के ओनली सन, मतलब मैन के फादर की ओनली सन, मतलब किसकी बात हो रही है, इस मैन की ही बात हो रही है, ये जो मदर है वो इस मैन की क्या है, वाइफ है, ध्यान से समझिए, मदर इज वाइफ, ये वाइफ है किसकी, ऑफ माई फादर्स ओनली सन, माई फादर्स ओनली सन, मतलब इस मैन की ये कौन है, वाइफ है, आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होंगे, तो ये मैन कहाँ उठ के चला आएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और मैन के यहाँ फादर बना दीजिए, ठीक है, बस, और ये देखो हस्बैंड वाइफ है, इस वजह डबल एरो बना गया, ये वाइफ है, ये प्लस हो गया, ठीक है, अब ध्यान से समझिए, पूछ क्या रहा है, मैन का लेडी से क्या रिलेशन, देखिए, हाउ मैन इज रिलेटेड टू लेडी, बहुत आसानी से अपने आप को रख दो, ये मैं हूँ, ये मेरी कौन है, वाइफ है, और मेरी वाइफ का ये कौन है, इससे रिलेशन खाली देखो लिखा क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये मैं हूँ, मेरी वाइफ है, और मेरी ये मत सोचो हस्बैंड लिखा, ये कुछ नहीं, खाली प्लस माइनस से समझो, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, तो नहीं 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 ये प्लस है, ठीक है, और एरो से समझो, ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, और मेरी वाइफ का ये कौन हो जाएगा, ये लड़का हो जाएगा, और लड़का का मेरे वाइफ के लड़के के जो वाइफ है, मेरे वाइफ के लड़के की जो वाइफ होगी वो मेरी क्या लगेगी, बहू तो लगेगी, सिंपल सी बात है, अपने आप को सोचिए, ये मैं हूँ, मेरे वाइफ हो गया, मतलब मेरी वाइफ का जो लड़का, भाई आप ऐसा भी सोच लो, मेरी वाइफ का जो लड़का है, मतलब जो मेरा लड़का है, मेरे लड़के की जो वाइफ है वो मेरी क्या लगेगी, बहू लगेगी, ठीक है, और ये जो मैन हो, मैन का संबंध इससे क्या हो जाएगा,
इस लेडी से, तो अगर आपकी वो बहू है तो आदमी का संबंध क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हाउ मैन इज रिलेटेड, तो मैन क्या हो जाएगा, ससुर जी हो जाएंगे, और ससुर जी का मतलब फादर इन लॉ। ठीक है, हो सकता है मैं समझाने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा हूँ, बट मेरे कॉन्सेप्ट को आप ठंडे दिमाग से खुद से भी सोचेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वही जवाब आएगा। अब हो सकता है रिलेशन बनाने में कभी इधर उधर गड़बड़ियाँ होती हैं, मैंने पहले पार्ट में भी बताया था, बट आपको तरीका सोच मतलब अप्रोच कैसे करना है, मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आप यहाँ पर सीखिए। ये मत सोचिए कि इन्होंने कभी तो हस्बैंड को वाइफ बना दिया हुआ, ये सब मत सोचो, आप खाली अप्रोच को सोचो, क्योंकि जब आप अप्रोच सोच समझ जाओगे तो आप इतना गलती तब थोड़ी करोगे हस्बैंड को वाइफ बनाओगे। वो बोलते समय सोचते समय कभी कभार गड़बड़ियां होती हैं, बट आपको समझना है जो मैंने रिलेशन बनाया। ठीक है, आपको सिंपल ही सोचना था, एक बार मैं रिपीट कर दूं, मैन कहता है, मैन क्या कहता है, हर हस्बैंड मतलब इस लेडी का हस्बैंड जो है, ठीक है ठीक है, हस्बैंड हस्बैंड्स मदर, हस्बैंड की जो कौन हो गई, मदर मतलब ऊपर की तरफ, मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे पिता के जो इकलौता लड़का मतलब मैं खुद, मेरी ये कौन है, मदर जो है वो इसकी, इस मैन की क्या है, वाइफ है, और फादर ऊपर बना था तो मैंने बना दिया, खैर उसका कोई रोल नहीं था। मैन से लेडी का क्या रिलेशन, ये आप हो, ये आपकी वाइफ है, और वाइफ का ये कौन है, लड़का है, और लड़के की जो हो जाएगी वो कौन है, वाइफ है, तो आपकी बहू ये हो गई, मतलब आपका इस लेडी से क्या रिलेशन हो गया, आप उसके क्या हो गए, फादर इन लॉ मतलब ससुर जी हो गए। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ था ही नहीं, सिंपल बस रिलेशन बनाते चला जाना था। ठीक है, कमेंट करके गाइस जरूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है या कुछ वैसे ही जैसे अब तक आप सीखे आए थे वैसे। कुछ लोग कहेंगे कि भैया एक काम करा करो, अपने आप को ले लिया करो, या कुछ लोग बताएंगे कि एक काम किया करो, पीछे से पढ़ना शुरू कर दियो। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, आप खाली क्वेश्चन को समझ लीजिए और अपने आप को रख दीजिए, बस काम खत्म, और फैमिली ट्री बनाना मैंने आपको सिखाई दिया है। ठीक है, तो चलिए फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए जस्ट अ मिनट, मैं राइट कर दूँ फिर आप लोग ट्राई। चलिए भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उन क्वेश्चन से अलग है, मतलब स्टार्ट कैसे करना है इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ध्यान से देखिए। अच्छा, मैं ऑप्शन भी बताना भूल गया यहाँ पे, बट मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेज सी इज द मदर ऑफ, सी इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ सन। ठीक है, एंड हाउ वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो दो लोग हैं फोटोग्राफ में, कौन है, वुमेन है और एक मैन है, तो सिंपल मान लेते हैं एक मैन रहा होगा और एक कौन रही होगी, वुमेन रही होगी, और वुमेन किस में है, फोटोग्राफ मतलब एक तस्वीर में एक औरत है और एक आदमी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखिए पॉइंटिंग टू अ वुमेन मतलब इस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये जो वुमेन है, ये जो औरत है, ये औरत सी इज़ द मदर ऑफ द, अब देखो हर बार क्या होता था, इस मैन जो कहता था वो पता चल जाता था कि वो मतलब वो मेरी वाइफ या मेरे पिता या मेरे भाई के बहन की, इस हिसाब से पता चल जाता था, बस इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं पता चल पा रहा है, तो लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ो, सी इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ सन, यहाँ से रिलेशन पता चल पा रहा है, मतलब ये जो मैन है वो कह रहा है कि मेरी वाइफ की, मेरे वाइफ के लड़के, है ना, अब ध्यान से समझिए, मेरी वाइफ के लड़के का पिता, मेरे वाइफ के लड़के के पिता की माँ, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान से इस, अब देखो यहाँ पे लोग पता क्या देते हैं, एक्चुअल में जो कहते हैं, जो पीछे से पढ़ने वाला क्वेश्चन रहता है वो एक टाइप होता है, इस क्वेश्चन में देखो आप रिलेशन यहीं से पता चल पा रहा है, सी इज माई वाइफ सन, तो मतलब जो मैन कह रहा है वो मेरी पत्नी के लड़के क्या पिता, तो इस क्वेश्चन को एक्चुअल में पीछे से पढ़ना है, बट वो सारे क्वेश्चन को कह देते हैं पीछे से पढ़ो, ऐसा नहीं है, तो मैं जब मतलब समझा यहाँ से मुझे कुछ रिलेशन ही नहीं पता चल पड़ा, सी इज द मदर ऑफ द फादर, यहाँ से कुछ पता ही नहीं चल रहा, जब मैं यहाँ पढ़ा तो मुझे पता चला, तो देखो मैन कह रहा है, तो मैन क्या कह रहा है, माई वाइफ सन, मैन माई वाइफ सन, तो माई वाइफ, वाइफ हो गया डबल एरो, सन माई वाइफ सन मतलब मेरा भी सन हो जाएगा, माई वाइफ सन ऑफ फादर, मेरे पत्नी, पत्नी के पुत्र का पिता, तो कौन मतलब वो खुद मैन हो गया, मैन हाँ ठीक है, मेरी पत्नी के पुत्र का पिता, फादर हो गया मतलब वो मैन हो गया, पत्नी फादर द ऑफ
फादर की माँ, तो फादर मतलब मैन की कौन, माँ, ठीक है, या फिर मदर कह लो, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, मदर, और मदर कौन है, सी इज मदर, मतलब कौन, पिक्चर में दिखाया था, तो एक्चुअल में कौन है, वुमेन है, बस काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब पूछ क्या रहा था, हाउ वुमेन इज रिलेटेड टू मैन, तो इस वुमेन का इस मैन से क्या संबंध है, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है मतलब जनरेशन गैप है, और ये फीमेल है तो इसका मतलब वो क्या रही होंगी, मदर रही होंगी, ठीक है, और इस मैन की, ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिलेट कर दे रहा हूँ, क्यों मैं इस क्वेश्चन को पीछे से अप्रोच किया, क्योंकि यहाँ से मुझे एग्जैक्ट रिलेशन ही नहीं पता चल पा रहा था, यहाँ से मुझे रिलेशन पता चला। तो मैन बोलता है, ये कंफर्म है, मैन क्या बोलता है, मेरी वाइफ के पुत्र, मेरी वाइफ के पुत्र, पुत्र का पिता, का पिता मतलब वो मैन हो गया, के पिता की माँ, की माँ, तो पिता के पुत्र मतलब इस मैन की माँ, तो मैन की माँ, सिंपल यही तो पूछ रहा है। और जो ये माँ है वो कौन है एक्चुअल में, सी इज, तो पिक्चर की तरफ बोला था, तो ये एक्चुअल में वुमेन क्या थी, यहाँ पे थी। अब इसका मतलब जो हाउ वुमेन इज रिलेटेड, तो वुमेन किस से हो, क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी, और ये जो मैन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, मदर। आई थिंक आप रिलेट कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसी टाइप का गाइस पूछा जाता है, मैं तो कुछ हद तक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर दे रहा हूँ, काफ़ी बहुत टफ नहीं पूछा जाता, आसानी पूछा जाता है, बट कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। तो जस्ट अ मिनट, मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन राइट कर दूँ, फिर आप लोग ट्राई। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, मनीषा सैड, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। बहुत ध्यान से समझना, माई सिस्टर्स ब्रदर लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ फोटोग्राफ रिलेटेड टू मनीषा, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक फोटोग्राफ है, ठीक है, एक तरफ फोटो है, और एक तरफ फोटो में किसी का नाम नहीं पता है, एक तरफ कौन है, मनीषा है, ठीक है, तो मनीषा लिख दिया है, फोटोग्राफ, जेंडर वगैरह किसी का नहीं पता है, तो क्या कह रहा है, कौन बोले, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, मनीषा जो फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसमें जो पर्सन है ही इज, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, फॉर डिस्टर्बेंस, हाँ, तो फोटो तरफ फोटोग्राफ हो गया और मनीषा हो गई, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब मनीषा फोटो की तरफ इशारा, इसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या कहती है या कहता है, सर मनीषा है तो लड़की ही होगी, क्या कहता है या कहती है, ही इज द ओनली सन, मतलब ये जो है ओनली सन है, ठीक है। अभी हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं किस तरीके से एरो बनाए, जहां हमें मनीषा का रिलेशन मिल जाएगा वहीं हम बता देंगे, जहां जो बोलता है जब वो कन्फर्म रिलेशन बताए वहीं से ट्री बनाया करो। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था, ही इज द ओनली सन, कुछ क्लियर नहीं हो, ऑफ द फादर, कुछ क्लियर नहीं हो, ऑफ माई सिस्टर ब्रदर, बोल कौन रहा है, मनीषा, तो मनीषा ने यहाँ रिलेशन बताया, मेरी बहन का भाई, मेरी बहन सिस का ब्रो, ओके, भाई मेरी बहन के भाई के पिता, के पिता, तो ओके, यहाँ पे कौन हो गए, फादर हो गए, पिता, पिता का लड़का, और वो भी इकलौता लड़का, ओनली सन, पिता का इकलौता लड़का, मतलब ये कौन हो गया, ब्रो, ब्रो की ही बात हो रही, और ब्रो कौन है, ही इज, मतलब जो फोटोग्राफ में था वही बर्दा है, तो ये कौन हो गया, फोटोग्राफ वाला हो गया, और फोटोग्राफ वाला हो गया तो बस काम ओके हो गया, क्यों, क्योंकि पूछ रहा हाउ फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू मनीषा, तो फोटोग्राफ में कौन है, ब्रो है, मतलब मेल पर्सन है, और मेल पर्सन है तो मेल, और ये सब क्या है, ये देखो भाई बहन के रिश्ते हैं कि नहीं, ये सिंगल एरो से बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो बस इसका किससे क्या रिलेशन हो गया, ये मनीषा का क्या है, भाई है, और इस भाई की ये कौन है, बहन, तो हाउ फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ पे जो पड़ता ना, हाउ फोटोग्राफ रिलेटेड टू मनीषा, तो रिलेटेड मनीषा से इसका क्या संबंध है, तो ये भाई है, ठीक है, ब्रो हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। अगर पूछता हाउ मनीषा इज रिलेटेड टू दैट फोटोग्राफ पर्सन, तो कौन हो जाता, सिस्टर हो जाता, बट यहाँ हाउ फोटोग्राफ पर्सन इज रिलेटेड टू मनीषा है, तो फोटोग्राफ पर्सन कौन हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा मनीषा का। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप गलती नहीं करेंगे, बट मैंने कहा था 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा तो जरूर कराऊंगा मैं, ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस टाइप। अब ये थोड़ा बहुत डर आपका खत्म हुआ होगा कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं, कहाँ से एरो बनाना शुरू करते हैं, कहाँ ट्री होता है, आगे कब पढ़ते
पढ़ते हैं, पीचेस कब पढ़ते हैं, सारा डाउट धीरे धीरे क्लियर होगा। और दो तीन क्वेश्चन मेरे साथ करिए और डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और गाइज जैसे आप शेयर करते हैं बहुत अच्छा लगा, सही बता रहा हूँ, तहे दिल से शुक्रिया उन लोगों को जिन्होंने, मुझे लगता था कि आप लोग शेयर करते हैं बट स्क्रीन शॉट इतना आप कहना मान लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब एक काम और आपको दे दे रहा हूँ, बहुत टफ नहीं है। अब जिसको आप शेयर करिए उनसे कहो कि वो भी शेयर करें, भाई हमें फैमिली बड़ी करनी है ना, तो जब तक ये चेन पूरी नहीं बनेगी तब तक अच्छे से हो नहीं पाएगा। और मैं आपके लिए तत्पर, वीडियो डिले आएगी बट अल्टरनेट डेज पे आएगी 110% है, ठीक है। बट मैं कोशिश करूंगा मॉर्निंग में ही वीडियो बना दूं ताकि ये सिरदर्द आपका भी खत्म रहे, आप सुबह बैठ के पढ़ लें। आगे से मैं पूरी कोशिश करूंगा 11 बजे तक वीडियो अपलोड कर दी जाए, ठीक है। बाकी देखते हैं जैसा भी हो पाया। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, राइट करता हूँ क्वेश्चन नंबर। चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हिंदी में लिख दिया मैंने कहा था हिंदी इंग्लिश जैसा भी आपको अच्छा लगे। अगर आप चाहते हैं कि खाली हिंदी में कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा दूं या इंग्लिश में, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। कम से कम मैं मिसलेनियस में मतलब एक पार्ट और बना दूंगा, उसमें 7 क्वेश्चन। ये खाली टाइप जो होता है इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ हिंदी वाले करिए, ठीक है, क्योंकि उसमें रिलेशन अच्छा समझ में आता है, तो मैं बना दूंगा। वैसे मैं इसमें मिक्स करा दे रहा हूँ, दिक्कत आपको नहीं आएगी, जिसमें आप कंफर्टेबल होइएगा उसी से करिएगा, ठीक। तो एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक, ये क्वेश्चन आपका बैंक का क्वेश्चन है ना, कब आया था मुझे नहीं पता है बट बैंक का लिखा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, IBPS SBI में पूछा गया था। करते हुए औरत ने कहा, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पुरुष की तस्वीर, तो पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तो पुरुष है किसमें, तस्वीर में, ठीक है, और पुरुष की तस्वीर की इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, तो एक औरत है, औरत ने कहा, क्या कहा, इसके भाई, मतलब इस पुरुष का जो भाई है, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता, भाई का पिता मतलब उसका भी पिता हो जाएगा, भाई का पिता। अब ध्यान से समझो, अब यहाँ से समझो, यहाँ अच्छा रिलेशन माई करके जो मिलता था यहीं से मिल रहा है, क्या मिला, औरत ने कहा मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, मेरे मतलब औरत, औरत ही तो बोल रही है, मेरे पापा, पापा के पापा है ना, पापा मतलब दादाजी, दादाजी मेरे दादाजी के पिता है ना, दादाजी के, नहीं 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 एक मिनट, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, कौन, इसके भाई का पिता, तो इसके भाई का जो पिता है वो इसके दादाजी का इकलौता पुत्र है, इकलौता इसके जो औरत के दादाजी का पुत्र है वो इसके भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, तो भाई के पिता का पुत्र मतलब कहीं ना कहीं इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये पिता जो है वो एक्चुअल में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और पिता हो जाएगा और ये भाई हो जाएगा और ये भाई हो जाएगा, अरे रे 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 कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, एक बार मैं क्वेश्चन भी देख लूँ। भाई का पिता इकलौता पुत्र, सही तो लग रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से देख लेते हैं, जस्ट ए मिनट। तो गर्मी से एकदम हालत ख़राब है बट कोई नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, भाई का पिता, हाँ ठीक है, तो मेरे दादा का इकलौता पुत्र है भाई का, इसके भाई का पिता, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ पे तस्वीर वाला पुरुष था और उसका भाई था और भाई का ये कौन था, पिता था, ठीक है, और ये पिता कहाँ चला गया, इधर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक और लड़का रहा होगा यहाँ, भाई, और भाई से ये क्या रहा होगा, एक तस्वीर वाला भी इसमें क्या रहा होगा, एक तस्वीर वाले में पुरुष था, ठीक है, तो पुरुष था, बस बन के तैयार है, एक बार रीचेक कर लेते हैं तो अभी क्लियर हो जाएगा। क्या बोला कि औरत ने कहा कि इसके भाई मतलब तस्वीर के भाई का, तस्वीर वाले के भाई का जो पिता है, तस्वीर वाले भाई का जो पिता है वो मेरे, औरत के दादाजी का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, बस काम खत्म, डायग्राम एकदम सही है। अब क्या पूछ रहा, औरत का इससे क्या संबंध है, तो देखो ये अगर जो पिता है उसका एक लड़का ही है, इसकी एक लड़की है और इस लड़के का एक भाई है, तो बस काम खत्म। तस्वीर वाले पुरुष का इस औरत से क्या संबंध है, मतलब ये सब आपस में क्या है, भाई बहन है, तो तस्वीर वाला पुरुष क्या है, पुरुष है, तो ये क्या हो जाएगा, भाई, तस्वीर वाले पुरुष से औरत क्या क्या संबंध है, तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है, तो औरत जो हो जाएगी उसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, पुरुष से औरत का संबंध, पुरुष से
औरत का संबंध क्या हो जाएगा, भाई का हो जाएगा। ठीक है, तो तस्वीर वाले पुरुष से औरत का संबंध सिंपल क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। एक बार मैं क्वेश्चन भी चेक कर ही लेता हूँ, वैसे मुझे तो लग रहा है सही ही होना चाहिए, बट जस्ट अ मिनट, कहाँ गया। तस्वीर वाले पुरुष से, देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, औरत का संबंध पूछा है, औरत का क्या संबंध है तस्वीर वाले पुरुष से, तो औरत का संबंध तो ये कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी ना। अगर उल्टा अगर जो पूछता तो भाई होता, तो ये गड़बड़ हो रहा था गाइस, है ना, तभी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे औरत का संबंध पूछा जा रहा था, तो औरत का संबंध जो हो जाएगा तस्वीर वाले पुरुष से क्या हो जाएगा, औरत का संबंध बहन का हो जाएगा। ठीक है, औरत का संबंध इस तस्वीर वाले पुरुष से बहन का हो जाएगा, एकदम करेक्ट है। अगर पूछता कि बताओ यहाँ पे मतलब ये चीज़ हो जाती कि इसको पहले लिख देता और पूछ लेता कि तस्वीर वाले पुरुष का क्या संबंध है, तो क्या हो जाता, भाई का संबंध हो जाता। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां हो रही होंगी, बट सॉरी फॉर दैट, मतलब गर्मी बहुत तेज लग रही है तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो रही हो, बट आई थिंक मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझा ले जा रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताना गाइस। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, चाहूँ तो मैं वीडियो बंद कर सकता हूँ, बट नहीं, जितना मैं टारगेट लेके आऊँ मैं समझा के रहूँगा। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन राइट करता हूँ। तो इसका तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है, हाँ ठीक है, चलिए गाइस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, एक पुरुष महिला का परिचय देते हुए कहता है कि इसको मैं रफ कर दूँ, पहले वाला सही से रफ नहीं हुआ था, ठीक है, नीचे मैं भूल गया रफ करना। हाँ, तो ठीक है, तो एक पुरुष महिला का परिचय देते हुए कहता है कि इसकी माँ मेरे सास की इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो एक पुरुष है, ठीक है, एक पुरुष है और एक कौन है, महिला है। ठीक है, ओके, अच्छी बात है, आसान क्वेश्चन है, पुरुष है महिला है। ठीक है, तो एक पुरुष है महिला है, महिला का परिचय देते हुए कहता कौन है, पुरुष कहता है, क्या कहता है, इसकी माँ, मतलब इस महिला की जो माँ है, जो माँ है वो मेरे सास, तो मेरे सास मतलब क्या, मेरी वाइफ रही होगी, मेरी वाइफ की माँ। ठीक है, तो मेरे सास, सास की, मेरे सास की इकलौती पुत्री है कौन, इसकी माँ, तो इकलौती पुत्री है ये कौन, मेरे सास की इकलौती पुत्री कौन है, ये माँ है, तो कहीं ना कहीं ये माँ यहाँ चली आएगी। ठीक है, क्योंकि इकलौती पुत्री है तो ये नीचे आ जाएगी, और ये महिला कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए और ये उसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई, क्योंकि महिला है, तो बस पुरुष का महिला से क्या संबंध हो, तो पुरुष क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा इस महिला का। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या कह रहा है, ये पुरुष जो है वो महिला का परिचय देते हुए कहता है कि इसकी माँ, मतलब महिला की जो माँ है वो मेरे सास, ये मेरी वाइफ, माइफ क्यों, मेरे सास की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री मतलब यही निगेटिव वाला, इकलौती पुत्री कौन है, ये माँ है, तो देखो इकलौती पुत्री है कौन, ये माँ, तो ये माँ यहाँ चली आई और महिला उसके नीचे चली गई। अब पूछ रहा था सिंपल कि उस पुरुष का उस महिला के साथ क्या संबंध है, तो ये हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया और ये उसकी पुत्री हो गई, तो हस्बैंड वाइफ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका पुरुष जो हो जाएगा पिता हो जाएगा। पुरुष का महिला से क्या संबंध है पूछ रहा था, तो पिता का संबंध है। ठीक है, महिला का पुरुष से क्या संबंध पूछता, तो बेटी हो जाती। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन गाइस, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, मैं थक गया हूँ एकदम, हालत ख़राब है, 2-3 क्लास ले चुका था, फिर मैं आप लोगों का सोचा वीडियो हटा दूँ ना करूँ, लेकिन नहीं, जो मुझे मैंने कहा था कि मैं वीडियो बहुत रेयर केस है कि अब गैप करूँगा, अदरवाइज अल्टरनेट डेज पे मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत जो गलतियाँ हुई हैं तो अगर आप समझना चाह रहे हैं तो समझ सकते होंगे मुझे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करके पूछेंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कल के उस दिन के लिए थैंक यू जो आप लोगों ने शेयर किया, आप शेयर करिए, साथ में कहिए आप लोग भी शेयर करिए, और जो जानने वाले उनसे कहिए वीडियो देखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही पार्ट 3 में कोड भेज, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।